Hello students, welcome back and let's continue with quadratic equation also called theory of equation. आज हम लोग एक अलग सा टॉपिक करने वाले हैं and that is called position of roots or location of roots. So we call it location of roots. Location of roots का मतलब you will be given कि भाई ये जो roots हैं वो इस पोजीशन पे लाए करने चाहिए. मतलब इन जनरल वी हैव 3-4 कंडीशंस, तो विल सी देम वन बाय वन. जैसे पहला हो सकता है कि सम फिक्स नंबर के लाए बिटवीन द रूट्स. मतलब सम नंबर के लाए बिटवीन द रूट्स. सो वी कैन से कि रूट्स लाए ऑन ईदर साइड ऑफ टू. मतलब एक रूट टू से छोटा होगा, एक रूट टू से बड़ा होगा. इसको क्या बोल सकते हैं कि टू लाइज बिटवीन द रूट्स. सम नंबर के फॉर एग्जांपल टू लाइज बिटवीन द रूट. मतलब ऐसा कुछ करना है कि टू रूट्स के बीच में आए. मतलब एक रूट टू से कम हो और एक रूट टू से ज्यादा हो. सेकेंड कंडीशन होती है कि के इज लेस देन बोथ द रूट्स. जो के है वो अल्फा बीटा दोनों से छोटा है, दोनों से छोटा है. या फिर बोलेंगे कि टू इज लेस देन बोथ द रूट्स, और यू कैन से बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन थ्री, ग्रेटर देन माइनस वन, ग्रेटर देन जीरो, समथिंग लाइक दैट. फिर हो सकता है कि के इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स. टू सम फिक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, दोनों रूट से ज्यादा है. सो दीज आर 3 मेन केसेज ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स. रूट्स के बीच में कोई नंबर होगा, रूट से पहले कोई नंबर होगा, और रूट्स के बाद में कोई नंबर होगा. दोनों से ज्यादा, दोनों से कम, दोनों के बीच में. दीज आर 3 मेन केसेस. इसके अलावा और भी केसेस धीरे धीरे आते रहेंगे, बट मेनली आपको ये 3 केसेस करने. सो इन दिस केस इफ आई से कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इसके जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा. सो वॉट इज द कंडीशन दैट सम फिक्स नंबर के, कोई एक नंबर गिवन होगा, वो अल्फा बीटा के बीच में लाई करता है. तो कंडीशन इसके लेकर मैं आपको बताऊं. सो द कंडीशन इज डी शुड बी ग्रेटर दैन जीरो एंड ए एफ के लेस दैन जीरो. कैसे आएगा, क्या होगा, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, वो अभी बताया जाएगा. पहले रिजल्ट देख लो. In this case, D will be greater than equal to 0, AFK greater than 0, and K less than minus B by 2A. And for this, we have same to same, D greater than equal to 0, AFK greater than 0. Bas ye K less than tha to less than, greater than tha to greater than minus B by 2A. To ye relations hai. बिटवीन डी एंड ऑल दीज थिंग्स अलॉन्ग विद द गिवन कंडीशंस. अब ये कैसे आया है, क्या आया है, दैट वी आर गोइंग टू डू. सपोज ये जो पैराबोला है या तो वो अपवर्ड होगा या फिर वो डाउनवर्ड होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, बिकॉज वी हैव दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच रिप्रेजेंट्स वर्टिकल पैराबोला. या तो वो अपवर्ड होगा या फिर वो डाउनवर्ड होगा. अब लिखा है कि k lies between अल्फा बीटा, मतलब दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर k है. इसका मतलब एक चीज पक्की हो गई कि दोनों रूट्स रियल है. ऐसा क्यों? क्योंकि इमेजिनरी नंबर्स के बीच में कोई नंबर नहीं होता है. इमेजिनरी नंबर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है. यहां कहते हैं कि भाई अल्फा लेस देन k एंड k लेस देन बीटा, मतलब अल्फा बीटा हैज टू बी रियल. इमेजिनरी नंबर में दे डू नॉट फॉलो ऑर्डर. ऑर्डर मतलब ये नहीं कि मेरा ऑर्डर है, अरे ऐसा करो, वो ऑर्डर नहीं. ऑर्डर मतलब छोटा या बड़ा. दे कैन बी इधर इक्वल और अनइक्वल. यू कैन नॉट से कि 1 प्लस आई इज लेस देन 2 प्लस आई, और 1 प्लस आई इज लेस देन 100 प्लस 100 आई. यू कैन नॉट से दैट. व्हाट यू कैन से कि ये दो नंबर्स इक्वल है या ये दो नंबर इक्वल नहीं है. तो अगर छोटा बड़ा बोला गया है, स्मॉलर देन एंड ग्रेटर देन, इसका मतलब इट हैज टू बी रियल. और अगर रियल है तो डी तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा.
इन बोथ द केसेस डी विल बी पॉजिटिव, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, डी इक्वल टू जीरो नहीं लिया मैंने, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कोई नंबर आता है, इसका मतलब हुआ कि अल्फा एंड बीटा कैन नॉट बी सेम, क्योंकि टू और टू के बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। सो व्हेन वी से कि अल्फा लेस देन के लेस देन बीटा, मतलब अल्फा एंड बीटा आर बेसिकली डिफरेंट, और डिफरेंट है तो डी का वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो ही होगा। अब रूट्स अगर रियल है, मतलब वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, तभी तो रूट आएगा। रूट रियल का मतलब एक्स एक्सिस को कट करना विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। वी कैन से कि अल्फा इज लेस देन बीटा, जो भी छोटा वाला रूट है उसको अल्फा बोल देते हैं, जो बड़ा वाला रूट है उसको बीटा बोल देते हैं। नाउ वी आर गिवन दैट कि के लाइज बिटवीन अल्फा बीटा, सपोज के यहां पर है, मैंने जानबूझ के बिल्कुल सेंटर में नहीं बनाया है, थोड़ा साइड में बनाया है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, कहीं भी हो सकता है, दैट इज द होल पर्पस। अब हाउ टू मेक श्योर कि भाई के अल्फा बीटा के बीच में है, के पे अगर मैं फंक्शन का वैल्यू देखता हूं, बिकॉज दिस इज वाई विच वी कैन ऑल्सो से एफ एक्स, अब तक आपने फंक्शन पढ़ लिया होगा और फंक्शंस पढ़ा होगा तो एफ ऑफ एक्स की तरह लिखते हैं, वाई को क्या लिखते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ ऑफ वन क्या होगा ए इंटू वन स्क्वायर प्लस बी इंटू वन प्लस सी। एफ ऑफ टू क्या होगा ए इंटू टू स्क्वायर प्लस बी इंटू टू प्लस सी। एफ ऑफ अल्फा क्या होगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा अगर अल्फा रूट है। बीटा क्या होगा एफ ऑफ बीटा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, वो भी जीरो हो जाएगा क्योंकि बीटा रूट है। एफ ऑफ गामा क्या होगा ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी, लेकिन वो जीरो नहीं होगा क्योंकि गामा इसका रूट नहीं है, सिर्फ अल्फा और बीटा इसके रूट है। सो नाउ टेल मी वन थिंग कि के पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दिस इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ। ग्राफ को आपको क्या समझ में आता है, हाउ मच ऑफ ग्राफ डू यू अंडरस्टैंड, उस पर यह सब कुछ डिपेंडेंट है। तो ग्राफ अगर आपको समझ में आता है तो आप बता पाएंगे कि के पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। यूजली थोड़ा टिपिकल होता है स्टैंडर्ड स्टार्टिंग में, 11 का स्टार्टिंग है अभी आपका लगभग तो थोड़ा टिपिकल होता है समझना, बट धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाएगी कि एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के नीचे मतलब निगेटिव होता है। तो इट इज क्लियर दैट के पे फंक्शन का जो वैल्यू है, जो पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब एफ ऑफ के इज बेसिकली निगेटिव। बट हियर इफ यू सी के पे फंक्शन का जो पॉइंट है वो ऊपर है, मतलब इस केस में एफ ऑफ के पॉजिटिव है, खत्म हो गए। पर तो अगर डी पॉजिटिव हो और एफ के निगेटिव हो और पैराबोला अपवर्ड हो, और पैराबोला अपवर्ड कब होता है जब ए पॉजिटिव होता है, पैराबोला डाउनवर्ड कब होता है जब ए निगेटिव होता है। तो ए पॉजिटिव के केस में ये दोनों केसेस, ए निगेटिव के केस में ये दोनों केसेस। तो दैट्स इट, हमने दोनों रूट्स अलग अलग का कंडीशन लगा दिया डी पॉजिटिव, और अगर के पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है तो पक्का के का वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में ही होगा, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में ही फंक्शन नेगेटिव है, बाकी जगह तो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है। बट हम ये दोनों केस अलग अलग नहीं करना चाहते थे, सो व्हाट वी वांटेड कि ऐसा कोई कंडीशन हो जो दोनों को मर्ज कर दे। सो व्हाट वी सी हियर दैट ए पॉजिटिव है और एफ के नेगेटिव है, मतलब ए पॉजिटिव है एफ के निगेटिव है, यहां ए निगेटिव है तो एफ के पॉजिटिव है, मतलब ए और एफ के की बात करेंगे तो ये यहां पॉजिटिव ए तो एफ के निगेटिव, ए निगेटिव तो एफ के पॉजिटिव, मतलब एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और जब दो नंबर्स में एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव होता है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ आई हैव टू टेल यू कि ए और बी में से एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, हाउ डू आई राइट इट मैथमेटिकली, आई राइट इट लाइक ए इंटू बी नेगेटिव है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया इसका मतलब इट हैज टू बी ऑफ अपोजिट साइन।
सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, कि ये दोनों कंडीशन को मिलाया तो व्हाट वी सी दैट कि ए और एफ के अपोजिट साइन के हैं, मतलब उनका प्रोडक्ट निगेटिव है। यहां देखा तो यहां भी ए इंटू एफ के निगेटिव है, सो व्हाट वी कैन से कि ए एफ के अगर निगेटिव है तो ये दोनों कंडीशन सेम हो जाएंगी, दोनों में काम कर जाएगा। और डी तो ऑलरेडी पॉजिटिव गिवन है, इसका मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए और ए एफ के निगेटिव होना चाहिए, तो जो नंबर है वो रूट्स के बीच में आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि भाई अगर के लाइज बिटवीन द रूट्स है तो डी पॉजिटिव होना चाहिए और ए एफ के निगेटिव होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन क्वेश्चन फर्स्ट, एक बेसिक सा क्वेश्चन करते ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए, एंड देन वी विल कंटिन्यू टू दीज टू अदर केसेस। दिस इज द क्वेश्चन, 2x² + 3x + λ = 0, इट इज गिवन। नाउ फाइंड लैमडा इफ -1 लाइज बिटवीन द रूट्स, -1 लाइज बिटवीन द रूट्स अल्फा एंड बीटा। तो व्हाट वी डू, कंडीशन क्या है कि डी पॉजिटिव है और ए एफ के निगेटिव है, डी पॉजिटिव ए एफ के निगेटिव, डी क्या हो जाएगा, इन दिस केस डी विल बी b² - 4ac > 0। एंड ए व्हाट इज ए, ए इज बेसिकली 2ax² + bx + c। f ऑफ k इन दिस केस विल बिकम f ऑफ -1, क्योंकि -1 को बीच में लाना है, और f ऑफ -1 विल बी व्हाट, 2 - -1² दैट इज +1 -3, 3 - -1 प्लस लैम्डा शुड बी लेस देन 0। नाउ व्हाट डू वी सी, 9 इज ग्रेटर देन 8 लैम्डा, तो लैम्डा इज लेस देन 9/8। एंड यहां से देखोगे तो लैम्डा -1 लेस देन 0, लैम्डा इज लेस देन 1। So both these conditions have to be satisfied simultaneously, and का symbol लगाएंगे, और and के लिए हमें क्या करना होता है, intersection लेना होता है। Intersection का मतलब दोनों का common part। अब दोनों का common part क्या है, that you need to tell me। उसके लिए आपको inequality वाला idea होगा, inequality का video आपने देखा हुआ है, and now I can say कि इन दोनों का जो common part है वो है lambda is less than 1, क्योंकि दिस वुड बी कॉमन टू बोथ, बोथ विल बी हैप्पी। लेट्स फाइंड अप 1 और 9/8। वन पार्ट इज टेलिंग यू, फर्स्ट पार्ट, कि इट हैज टू बी लेस देन 9/8, मतलब दिस पार्ट। सेकेंड वन इज टेलिंग यू कि लेस देन 1, मतलब दिस पार्ट। नाउ वी वॉन्ट इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन पार्ट। अब इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, सो दिस इज योर कॉमन पार्ट विच इज ऑलवेज लेस देन 1 के केस में। इसका मतलब हुआ लैम्डा का वैल्यू अगर 1 से कम लोगे तो इसके जो रूट्स होंगे वो 1 - 1 से कम होगा और 1 - 1 से ज्यादा होगा। यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, वॉट एवर यू वॉन्ट। आई एम गोइंग टू टेक, चेक करते हैं। तो लेट्स टेक लैम्डा इक्वल टू 0, आसान सा काम कर लेते हैं। लैम्डा को 0 पुट करोगे तो इट बिकम्स 2x² + 3x = 0। इसके रूट्स निकालेंगे, उसके लिए पहले मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो 2x + 3 = 0 है। इसके रूट्स मिले मुझे 0 and -3/2, 0 and -3/2। बोलो -1 उसके बीच में लाई करता है या नहीं करता है, yes, ये 0 है, ये -1.5 है, उसके बीच में -1 आ जाएगा। So whatever value of lambda you take less than 1 will always results in a root such that -1 will lie inside the roots ka interval. Let's take λ = -1, 1 se chota lena hai, -1 le lete. -1 lenge to aayega 2x² + 3x - 1 = 0. Isse lambda ka value nikaloge तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू आएगा -b + -√b² - 4ac / 2a, दैट इज -3 + √17 अपॉन 2। रूट 17 को अप्रोक्सीमेटली 4.1 ले लेता हूं मैं,
तो -3 + 4.1 = 1.1 एंड -3 - 4.1 = -7.1 दैट गिव्स मी 0.55 एंड -3.55। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया है मैंने, तो इफ यू सी -1 अभी भी इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो वट एवर वैल्यू ऑफ लैम्डा वी टेक इट विल ऑलवेज लाइज द रूट विल ऑलवेज बी समथिंग कि -1 उसके बीच में ही आएगा। वट एवर वैल्यू ऑफ लैम्डा यू टेक हर केस में -1 से रूट एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। क्वेश्चन और कैसे फ्रेम करते कि फाइंड लैम्डा इफ रूट्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ -1, मतलब एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इस किसी भी तरीके से लैंग्वेज हो सकता है, बट पर्पस सिर्फ इतना है कि कोई नंबर के, कोई गिवन नंबर के अल्फा बीटा के बीच में है एंड दैट इज दिस कंडीशन दिस फर्स्ट केस। तो आगे अभी जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे ना हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बट फिलहाल एक सिंपल सा क्वेश्चन देकर के आपको आइडिया दिया मैंने कि व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू। सो लेट्स कंटिन्यू विद सेकंड कॉन्सेप्ट। तो सेकंड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन बोलता है कि जो के है वो अल्फा बीटा दोनों से छोटा है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी है, डिस्कस करी है, वो लगभग रिपीट होने वाला है कि भाई इस केस में ये अल्फा बीटा हो गया। बोलो के कहां होगा, वेयर इज के। वी एक्चुअली हैव थ्री जोन, फर्स्ट जोन इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस, लेस देन बोथ, इन बिटवीन द रूट्स, ग्रेटर देन बोथ। तो इस केस में अपना जो रूट है वो इधर होगा, फर्स्ट जोन में, सेकेंड जोन में या थर्ड जोन में, दैट यू नीड टू नो। लिखा है के लेस देन बोथ अल्फा एंड बीटा, मतलब कि यहां कहीं होगा, K will be between, sorry, before alpha and beta both. यहां पे K कहां होगा, first zone, second or third, less than both alpha beta. Alpha beta दोनों से छोटा है तो उसको यहां होना पड़ेगा। Now the first condition is कि D should be greater than equal to zero, because वापस से less than की बात है, less than की बात है मतलब real number ही होना चाहिए, इसलिए D को greater than zero ही होगा। और इस बार मैंने इक्वालिटी भी लिख दिया, क्यों, के लेस देन बोथ द रूट्स, मान लो बोला है टू इज लेस देन बोथ द रूट्स। अब दोनों रूट को अलग होना कोई कंपल्सरी नहीं है, वो दोनों रूट अगर फोर फोर हो गए दैट्स ओके, थ्री इज लेस देन बोथ द रूट्स दैट ओके, बोथ द रूट्स आर फोर एंड फोर, यहां पॉसिबल नहीं था। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ थ्री लाइज बिटवीन द रूट, अब दोनों रूट थ्री और थ्री नहीं हो सकते, फोर और फोर नहीं हो सकते, फाइव और फाइव नहीं हो सकते, -1 - -1 नहीं हो सकते। तो यहां डिफरेंट होना जरूरी था, इसलिए यहां पे इक्वालिटी नहीं थी। यहां पे रूट्स इक्वल भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इक्वालिटी भी डाल दिया। सेकंड बात करते हैं, यहां पे देखोगे तो ए पॉजिटिव है एंड इन दिस केस ए इज नेगेटिव, थर्ड आता है एफ ऑफ के। इन दिस केस एफ के क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इन दिस केस एफ के क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहां देखना मैंने सिखाया आपको, थिंक अबाउट इट एंड फाइंड इट कि एफ के पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जिसको समझ में आ गई है ये पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात, उसके लिए तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का काम है, तो अरे इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें क्यों सर इतना टाइम दे रहे हैं। लेकिन जिसको नहीं आया है समझ में, उसके लिए टिपिकल है टू अंडरस्टैंड कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, बिकॉज दिस इज एफ ऑफ के, एफ ऑफ एक्स मतलब दिस, मतलब बेसिकली वाई का वैल्यू है। वी नो दैट वाई का वैल्यू वाई एक्सिस पे देखते, एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू जीरो होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे नेगेटिव। तो के पे जो फंक्शन है उसका वैल्यू ये है। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे, ऊपर है, ऊपर है मतलब पॉजिटिव होगा। इन दिस केस क्या होगा, के पे जो पॉइंट है वो नीचे है, ये अपना एक्स एक्सिस ही है क्योंकि रूट्स एक्स एक्सिस पे लाए करते हैं। तो ये इस बार जो के पे पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के नीचे है, इसका मतलब एफ के इज नेगेटिव। फिर वही कहानी, दोनों अलग अलग है, सेम होता तो उसको कंडीशन बोल देते, लेकिन अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, या तो अलग अलग केसेस याद करो या उनको मर्ज करो।
मर्ज करने का ट्राई करो. लुकिंग एट दिस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. ट्राई करो एंड देन आई विल हेल्प यू. तो पॉज कर लो, चेक करो. आई एम गोइंग टू टेल यू. यहां ए पॉजिटिव है और एफ के भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों सेम साइन के. यहां ए नेगेटिव है और एफ के नेगेटिव है, दोनों सेम साइन के. तो अगर दो नंबर सेम साइन के हैं, इसका मतलब होता है कि उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है. दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव है. टू नंबर्स का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे. वही केस था. सो नाउ वी हैव वन एंड वन टू कंडीशन. हो गया काम खत्म. लेकिन एक गड़बड़ है. अगर मैं ये थर्ड वाला केस लेता हूं, दिस इज अल्फा बीटा, इसमें के यहां आएगा, के ग्रेटर देन बोथ द रूट्स अल्फा बीटा. इस केस में के यहां आएगा, यहां पर भी अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ के पॉजिटिव है, ऊपर है. यहां देखोगे एफ ऑफ के नेगेटिव है. मतलब यहां भी सेम कंडीशन है, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव. मतलब इन दिस केस ऑल्सो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड ए ऑफ एफ के ग्रेटर देन जीरो. तो ये दो कंडीशन तो यहां भी है और यहां भी है. अब इन दोनों केस को कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे बाइफरकेट करें, हाउ टू मेक श्योर कि ये वाला केस है या ये वाला केस है. अब ध्यान से बात सुनना. अगर के अल्फा बीटा दोनों से छोटा है तो ऑब्वियसली उसके एवरेज से भी छोटा होगा. अगर कोई नंबर वन और टू दोनों से छोटा है तो कैन वी टेल कि उसका वैल्यू वन और टू का एवरेज मतलब 1.5 से छोटा है. यस डेफिनेटली वी कैन से दैट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू से कि के इज लेस देन अल्फा बीटा, दिस इंप्लाइज दैट के इज लेस देन अल्फा प्लस बीटा बाई टू. और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट दैट इज माइनस बी बाय ए. सम ऑफ द रूट माइनस बी बाय ए और टू एक और भी है. सो व्हाट वी गेट इज के इज लेस देन माइनस बी बाय टू है. देखो वो कंडीशन यहां आ गई. लेकिन यहां पे क्या है? के ग्रेटर देन अल्फा और बीटा है. इसका मतलब ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा बाय टू होगा, मतलब ग्रेटर देन माइनस बी बाय टू ए होगा. सो दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग और डेरिवेशन ऑफ दीज कंडीशंस. आपको ये कंडीशंस याद करनी है, वो भी बहुत आसान है. लेट मी शो यू. डी पॉजिटिव होगा, ये तो क्लियर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट्स का छोटा बड़ा, मतलब रूट्स रियल हैं और रूट्स अगर रियल हैं तो डी पॉजिटिव होगा. हाँ, इन दोनों केसेस में इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, दैट्स ओके, दैट्स नॉट अ बिग डील. क्योंकि ऑप्शंस में देख करके यू विल बी एबल टू मैनेज कि मुझे ग्रेटर देन लिखना है या ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, लेकिन जनरली आपको पता होगा. दूसरा है एफ के. देखो तीनों जगह डी है, वो हमने डिस्कस कर लिया कि पॉजिटिव होगा, तीनों जगह ए एफ के. बीच का वाले केस में ए एफ के निगेटिव है और बाहर वाले केस में जब के इज आउटसाइड द रूट इधर लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों केस में ए एफ के पॉजिटिव है. तो जब के बीच में लाई करेगा अल्फा बीटा के तो ए एफ के निगेटिव होगा, बाहर होगा तो ए एफ के पॉजिटिव होगा. काम खत्म. अब अगर के दोनों से छोटा है तो उसके एवरेज से भी छोटा होगा, मतलब लेस देन माइनस बी बाई टू है. वैसे फिजिकली इफ आई शो यू तो ये है माइनस बी बाई टू ए x का वैल्यू. वर्टेक्स होता है ना माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए. तो ऑब्वियस सी बात है कि माइनस बी बाई टू ए के पहले होगा. इन दिस केस माइनस बी बाई टू ए के बाद होगा. तो इसमें कुछ नया नहीं है, दैट इज ओनली द सेम थिंग. अल्फा बीटा का एवरेज अल्फा प्लस बीटा बाई टू दैट इज माइनस बी बाई ए अपॉन टू दैट इज माइनस बी बाई टू. So what you need to remember that, let me summarize it for you. K अगर roots के बीच में होगा तो AFK negative और roots के बाहर होगा तो AFK positive.
डी हर केस में पॉजिटिव। अब रूट्स के अंदर है तो दो कंडीशन हो गए, काम खत्म। रूट्स के बाहर है तो या तो दोनों से छोटा होगा, और दोनों से छोटा है तो k will be less than minus b by 2a vertex के पहले, और k दोनों रूट से बड़ा है तो उसके एवरेज से भी बड़ा होगा, vertex के बाद होगा, minus b by 2a के बाद होगा, minus b by 2a से ज्यादा होगा। तो इनसाइड अल्फा बीटा के टू कंडीशन, आउटसाइड अल्फा बीटा के थ्री कंडीशन, दिस इज व्हाट दीज क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट। इसके अलावा दो तीन कंडीशंस और आएंगी धीरे धीरे, बट दीज आर थ्री मेन कंडीशंस। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल सी कि हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। सो नाउ आई हैव कॉपीड डाउन दीज टू क्वेश्चंस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू, और फिर वहां से एक्सीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4x square minus 20px plus 25p square plus 15p minus 66 equal to 0. You need to find value of p such that both the roots are less than 2. Both the roots are less than 2. इसका केस हमें बताना है। याद करो, एक कंडीशन d होता था, एक afk होता था। अगर आउटसाइड है तो k less than या greater than minus b by 2a होता था, afk greater than या less than 0 होता था, d greater than or equal to 0 होता था। ये तीन conditions होते थे। यहाँ alpha beta दोनों 2 से कम है। Now think of and write on your notebook कि आप कौन सा condition, इसमें से कौन कौन से condition लगाने वाले। So pause करो और लिख लो, I am going to write। तो सबसे पहली बात कि d greater than equal to 0 आएगा, D will be greater than equal to zero, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों टू से कम है तो दोनों जीरो जीरो, दोनों माइनस वन इक्वल हो सकते। फिर आता है a f of k, k का वैल्यू टू है, वो पॉजिटिव होगा क्योंकि रूट्स के अंदर होते अल्फा बीटा के बीच में तो निगेटिव, बाहर है तो पॉजिटिव। और जब बाहर है तो कंडीशन लगेगा कि टू greater than अल्फा बीटा बोथ, तो 2 greater than minus b by 2, 2 greater than vertex of the parabola. Now, d का वैल्यू निकालेंगे तो d comes out to be b square 40p square minus 4ac, तो minus 4 a and c 25p square plus 15p minus 66. a into f of 2, a क्या है, a is basically 4 और f of 2, 2 put करोगे तो आएगा 16 minus 40p plus 25p square plus 15p minus 66 greater than 0, a into f of 2, और 2 greater than minus b, b is what, minus 20p upon 2a and a is what, 4. So these are the three conditions that we are going to solve. Now again pause, screen को देखो, ध्यान से समझो, और कुछ problem है तो वापस इसके पहले का जो मैंने derivations दिखाए वो देख लो, नहीं तो ये conditions है। ये मैंने तीनों condition लिखे हैं, actually सारे condition, इसमें से इसके लिए कौन सा use होगा, that I have copied, कि भाई alpha beta दोनों 2 से कम है तो d greater than equal to 0 भी हो सकता है, अल्फा बीटा के बीच में 2 होता तो ए एफ के निगेटिव, बाहर है तो ए एफ के पॉजिटिव, और बाहर है तो या तो 2 से कम होगा या 2 से ज्यादा होगा, बोथ द रूट्स आर लेस देन 2 तो उनका एवरेज भी लेस देन 2, या बोलो 2 ग्रेटर देन बोथ द रूट तो 2 ग्रेटर देन देयर एवरेज, और अल्फा और बीटा का एवरेज अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय 2 है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व देम वन बाय वन। So this gives me what? This gives me 40p square. एक काम करते हैं, 4 और 2, 4 और 2 मतलब 8 कैंसिल कर देते, 8 कैंसिल करेंगे तो 5p square minus 50p square, एक सेकंड गड़बड़ है, 20p का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, 400p स्क्वायर, 400p स्क्वायर को वापस से मैं लिख देता हूं एक बार, दिस वुड बी b स्क्वायर
माइनस फोर ए सी। नाउ व्हाट डू वी गेट, ये देखना 400 पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 इंटू फोर इज 100, इंटू फोर इज 400, तो बचा क्या 15 पी माइनस 66 ग्रेटर दैन जीरो। बोलो यस और नो, थिंक ऑफ इट, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग। देखो बाहर माइनस था और माइनस 16 से अगर हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है। एंड नाउ दिस गिव्स मी पी इज लेस देन इक्वल टू 66/15 और यू कैन से 22/7 आई वॉज होपिंग, अच्छा लगता पाई जैसा, लेकिन कोई बात नहीं, तो 22/5 हो गया। सेकंड की बात करते हैं, फोर का तो ऐसा कोई मतलब नहीं है बिकॉज फोर पॉजिटिव है तो नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस मच। नाउ दिस इज 25 पी स्क्वायर, दिस इज -25 पी एंड दिस इज -50 विच इज ग्रेटर देन जीरो। 25 अगर कैंसिल कर देते हैं तो ऐसा आएगा। नाउ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, सॉल्व करने के लिए वही स्टैंडर्ड नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे इसके रूट्स मार्क करेंगे और इसके रूट्स वी कैन फाइंड विद इन अ सेकेंड एंड दैट इज -1 एंड 2। कैसे, फैक्टराइजेशन नहीं, फॉर्मूला नहीं, ए माइनस बी प्लस सी जीरो है, ए माइनस बी प्लस सी करोगे जीरो आएगा, तो वन रूट इज -1 और दूसरा -c/2। साइन लगाओगे तो ये प्लस माइनस प्लस आएगा, हमें पॉजिटिव चाहिए मतलब दिस पोर्शन। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो पहले आप वेवी कर्व वाला पूरा वीडियो देख लीजिए, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे इट वर्क्स, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। और यहां हमें मिला 2 एंड 2 4 एंड 4 16, तो पी इज लेस देन 16/20 मतलब 4/5। So these are the three situations that we are going to discuss. अब तीनों का हमें common portion चाहिए, we need common portion of all these. Common portion के लिए वापस से क्या करना पड़ेगा, एक number line बनाते, उसमें सारे numbers mark करते, एक number है 4/5, एक number है -1, number is 2 which will be after 4/5. 1 is 22/5, वो यहां आएगा। Now see, first case is telling me कि भाई less than 22/5 less than equal to, ये equality का sign है ना, solid dot मतलब वो equality भी है, open dot होगा, open circle होगा तो वो not included। Second is telling me कि भाई minus infinity से minus one आओ और फिर 2 से इंफिनिटी चले जाओ, अलग लेवल पे ड्रॉ किया। थर्ड बोलता है कि भाई 4/5 से छोटा है मतलब ये वाला पोर्शन। नाउ व्हाट इज द कॉमन अमंग्स ऑल दीज, तीनों में कॉमन पोर्शन क्या है, इफ यू सी सो दिस पार्ट इज कॉमन अमंग ऑल, इस पोर्शन में सिर्फ एक ही है, यहां सिर्फ दो है, यहां सिर्फ एक है, यहां सिर्फ दो है, यहां पे वो तीनों पोर्शन है। सो आई कैन से कि P has to be less than -1, P का वैल्यू -1 से कम होगा तो अपना काम चल जाएगा। सो लेट्स ट्राई, देखते हैं जरा P का वैल्यू -1 से कम लेना है, क्या ले चेक करने के लिए लेट्स टेक P equals to -2, P को -2 लेते, P को -2 लोगे तो इक्वेशन बिकम 4x² + 40x + -2 का स्क्वायर 4 × 25 = 100, 100 - 30, 100 - 30 = 70, 70 - 66 = 4। आई होप कि कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। सो 4 से डिवाइड करेंगे तो x² + 10x + 1 आए, तो x का वैल्यू आता है -b + √b² - 4ac / 2a, That is -5 + √96 है, √96 का मतलब हुआ 4√6 मतलब 2√6।
अप्रोक्सीमेटली लेट्स मी टेक रूट सिक्स का वैल्यू 2.44 चलेगा, तो ये मिला -5 प्लस माइनस 4.88, दैट गिव्स मी -5 प्लस 4.88 इज दिस, एंड -5 माइनस 4.88 माइनस 9.88। तो क्या क्या दोनों रूट 2 से छोटे हैं? यस, बोथ द रूट्स आर एक्चुअली लेस देन 2, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव हैं, वो लेस देन 2 है। तो कोई भी पी का वैल्यू -1 से कम लोगे तो बोथ द रूट्स विल कम्स आउट टू बी लेस देन 2। सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। नाउ ये सेम क्वेश्चन में सपोज आपको गिवन होता कि भाई अल्फा बीटा आई विल से पार्ट ए, पार्ट बी में अल्फा लेस देन 2 लेस देन बीटा, मतलब 2 लाइज बिटवीन द रूट्स, 2 लाइज बिटवीन द रूट्स। अगर 2 लाइज बिटवीन द रूट्स की बात करते हैं सो व्हाट डू वी गेट, ये था 1a, नाउ आई एम गोइंग फॉर 1b। अब बिटवीन द रूट है तो d हो जाएगा ग्रेटर देन 0, अब इक्वालिटी नहीं रहेगा और afk क्या हो जाएगा, afk लेस देन 0, थर्ड कंडीशन होती नहीं। सो d इज व्हाट, d ग्रेटर देन 0 हमने किया था तो हमें मिला था p इज लेस देन 22/5, इक्वालिटी वहां से हटा दिया तो वहां से भी इक्वालिटी हट जाएगा। एंड afk लेस देन 0, afk वाला जो कंडीशन है वो है -1 or 2, प्लस माइनस प्लस, दिस हैज टू बी लेस देन 0, मतलब दिस पार्ट। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन के लिए आप सीधा सीधा बोल सकते हैं बट आई एम गोइंग टू यूज द होल प्रोसेस टू राइट, मार्क ऑल द नंबर -1, 2 and 22/5। वन पोर्शन इज टेलिंग मी कि 22/5 से छोटा, एंड सेकेंड पोर्शन इज सेकेंड पॉइंट पॉइंट इज टेलिंग मी कि भाई -1 से 2। व्हाट इज द कॉमन पोर्शन, कॉमन पोर्शन है ओनली दिस पार्ट, इसका मतलब पी बिलोंग्स टू -1 से 2। तो पी का वैल्यू अगर -1 से 2 के बीच में होगा तो रूट्स विल लाई ऑन ईदर साइड ऑफ 2, मतलब 2 विल लाई बिटवीन द रूट्स। लेट्स फाइंड आउट, चेक करते हैं, लेट्स टेक p इक्वल टू 0, सिंपल वाला केस लेते हैं, -1 से 2 के बीच में 0 होता है, तो p को अगर मैं 0 लेता हूं सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज 4x² ये तो कैंसिल हो गया, -66 = 0, मतलब x² इज 66/4, 33/2, मतलब 16.5 है x², तो x का वैल्यू हो जाएगा ±4.1 अप्रोक्सीमेट। बोलो 2 इसके बीच में है या नहीं है, 4.1 एंड -4.1 दोनों के बीच में 2 आएगा, यस इट विल कम बिटवीन -4.1 एंड +4.1। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, आपको क्वेश्चंस में आपको चेक नहीं करना है, आपका जो आंसर आया दैट्स इट, आपको हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो मैं आपको शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि हाँ एक्चुअली में दीज आर वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बोथ द रूट्स आर लेस देन 3, एक काम करते हैं लेस देन 2 का सॉल्व कर लिया, बिटवीन का सॉल्व कर लिया, लेट्स मेक इट ग्रेटर देन 3। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2 आई एम गोइंग टू सॉल्व। इट इज गिवन दैट रूट्स आर ग्रेटर देन 3, मतलब डी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, afk भी ग्रेटर देन 0 क्योंकि आउटसाइड है, और अल्फा बीटा अगर 3 से ज्यादा है तो उसका एवरेज भी 3 से ज्यादा होगा, दैट्स इट। अब डी की वैल्यू बात करते हैं, डी होता है b² मतलब 4a² -4a और c इज a² प्लस a-3, that has to be greater than equal to 0.
a into f of k. A क्या है? A है 1 और f of k in this case f of 3. तो f of 3 लिखोगे तो this will be 9 minus 6a plus a square plus a minus 3 greater than 0 and minus b by 2a. B is minus 2a upon 2a. A is 1. ध्यान से देखना, ये वाला a और ये वाला a अलग अलग है. This a is basically coefficient of x square. Has to be greater than 3. These three conditions that we are going to discuss. 4, 4 तो cancel कर देते हैं. A square cancel हो गया. तो a minus 3 आया. Greater than equal to 0? No. Less than equal to 0. Same mistake again. Because minus है बाहर. This will give me a square minus 5a plus 6 greater than 0. And third is giving me a is greater than 3. First is okay. Second is okay. Second की बात करते हैं. Second के लिए number line की बात करते हैं. तो इसके roots आएंगे 2 और 3. अब साइन लगाएंगे तो आएगा प्लस माइनस प्लस. नाउ व्हाट वी नीड इज पॉजिटिव, मतलब दिस पोर्शन. तीनों का अगर इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं सो व्हाट डू आई गेट, ए लेस देन इक्वल टू 3. सो व्हाट इज द कॉमन अमंगस्ट दीस, तो एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉमन. एक्चुअली देयर इज नथिंग कॉमन बिकॉज नंबर्स मार्क करते हैं 2 और 3. एक कहता है लेस देन इक्वल टू 3, दूसरा कहता है माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, और थर्ड कहता है ग्रेटर देन 3. देयर इज नथिंग कॉमन टू ऑल दिस. किसी भी पॉइंट पे ऑल थ्री लाइंस, ऑल थ्री पॉइंट्स आर नॉट देयर. इसका मतलब ए बिलोंग्स टू नल सेट. ए का कोई भी वैल्यू ले लो, दोनों रूट्स 3 से ज्यादा नहीं हो सकते. बोथ द रूट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3. एज सिंपल एज दैट. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट. चेक कर लेते हैं. ए का वैल्यू वापस से 0 ले लेते हैं. ए का वैल्यू 0 लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3. तो दोनों रूट क्या 3 से ज्यादा है? नहीं, इस केस में तो दोनों 3 से कम है. मतलब वट एवर वैल्यू यू टेक, यू कैन नॉट गेट द रूट्स, बोथ रूट्स टू बी ग्रेटर देन 3. तो ये तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे. फर्स्ट लेस देन का, ये ग्रेटर देन का, और ये इनसाइड का. उसमें ये दोनों में कुछ फाइनाइट आंसर आए, इसमें नल सेट आंसर आया. सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बेसिकली आस्क्ड. अब इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, बहुत सारे मैनिपुलेशन हो सकते हैं. कई बार तो ये मेहनत करनी नहीं पड़ती है, सीधा सीधा अपने आप आंसर आ जाता है बाय यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक, और यू कैन से अगर आपको दिख गया तो. लाइक लेट मी से कि सपोज इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं. व्हाट डू आई से कि लुक एट दिस पोर्शन. व्हाट इज दिस पोर्शन? दिस इज 2x माइनस 5p का स्क्वायर. This is 2x minus 5p का स्क्वायर equals to, if I write, 66 minus 15p. 66 minus 15p, ये पूरा राइट में आ जाएगा. So I can say कि 2x minus 5p equal to plus minus 66 minus 15p. So I can say कि x का वैल्यू है 5p प्लस माइनस 66 माइनस 15p अपॉन 2. और ये आप सीधा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा करके भी ला सकते थे, बट वो थोड़ा सा डर लगेगा, अरे पता नहीं 4ac में ये आएगा, फिर रूट निकालना पड़ेगा. दिस लुक्स एक्चुअली गुड इनफ. कहते हैं दोनों रूट्स 2 से छोटे, क्या कर, इफ बोथ द रूट्स आर लेस देन 2, देन व्हाट वी कैन डू इज कि जो बड़ा वाला रूट है उसको अगर मैं 2 से छोटा कर देता हूं तो स्मॉलर रूट विल डेफिनेटली बी लेस देन 2. सो इट हैज टू बी लेस देन 2 इंप्लाइज दैट द बिगर ऑफ दिस विल बी विद प्लस साइन.
इट हैज टू बी लेस देन टू, क्योंकि अगर लार्जर रूट टू से छोटा है तो स्मॉलर रूट टू टू से छोटा होगा ही। तो 5p प्लस 66 माइनस 15p लेस देन दिस। अब ये आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम क्वेश्चन जो मैं पहले मिला था, सेम आंसर एक्चुअली, तो यू विल गेट द सेम आंसर। अब यहाँ पे तो चलो फिर भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, बट इन सम क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि इतना सिंपल सा आ जाता है कि सीधा आंसर ही आ गया, जबकि अगर पूरा मेथड यूज करेंगे इट बिकम्स वेरी लेंथी। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि इट मे बी द केस लाइक दिस और इवन सिंपलर पार्ट ऑफ दिस दैट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। सो ऑलवेज लुक फॉर दैट अगर ऐसा कुछ सेट हो सकता है। जैसे ये भी क्या है, इसको भी देखोगे, सो दिस इज वॉट एक्स माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू थ्री माइनस ए, मतलब एक्स माइनस ए इज प्लस माइनस रूट थ्री माइनस ए, तो एक्स इक्वल टू ए प्लस माइनस थ्री माइनस ए। कहते हैं दोनों रूट थ्री से ज्यादा है, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स जो छोटा वाला है वो अगर मैं थ्री से ज्यादा कर देता हूं तो बड़ा वाला थ्री से ज्यादा अपने आप हो जाएगा। सो दिस इज वॉट वी नीड टू सॉल्व। मैंने एक थोड़ा सा रीअरेंज किया, रूट को आइसोलेट किया, आई हैव आइसोलेटेड द रेडिकल साइड। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यू विल से कि सर स्क्वायर कर देंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी वाला वीडियो आपने देखा होगा तो यू विल नो कि इनइक्वालिटी में स्क्वायरिंग इज नॉट ए गुड आइडिया बिफोर वी नो दैट कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। नाउ वी नो दैट कि ये पक्का पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तब तो स्क्वायरिंग करने का कोई मतलब निकलेगा, लेकिन अगर a माइनस थ्री लेस देन जीरो है तब स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, लेकिन जरूरत भी नहीं है बिकॉज वी नो दैट नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से बड़ा तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, सो उस केस में तो आएगा ही नहीं कुछ। इफ आई सॉल्व दिस व्हाट डू आई गेट इज a माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस a माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। अब a माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो बचा क्या, a माइनस थ्री माइनस वन इज a माइनस फोर। नंबर लाइन पे देखोगे थ्री और फोर में तो क्या मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, मतलब हमें क्या चाहिए, या तो थ्री से कम या फोर से ज्यादा, लेकिन वी हैव ऑलरेडी अज्यूम्ड दैट a का वैल्यू थ्री से ज्यादा है, और थ्री से ज्यादा है तो दिस पोर्शन इज कमिंग टू द पिक्चर। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जैसे ही आप फोर को से ज्यादा करोगे तो ये जो नंबर है रूट के अंदर वो निगेटिव आ जाएगा, और बिकॉज वी नो दैट फ्रॉम हियर कि ए हैज टू बी लेस देन इक्वल टू थ्री फॉर दिस टू बी डिफाइंड, स्क्वायरिंग तो बाद की बात है, अगर डिफाइंड ही नहीं हुआ तो स्क्वायरिंग नहीं कर पाओगे, एंड यूजिंग दिस टू वी कैन से कि नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, बिकॉज फोर से ज्यादा होना चाहिए और कहते भाई थ्री से कम होना चाहिए, फोर से ज्यादा एंड थ्री से कम इज नॉट पॉसिबल। सो द आइडिया इज कि सिंपल तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और प्रॉपर जो स्टैंडर्ड मेथड है वहां से भी। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि देयर मे बी अ सिंपलर मेथड बिफोर जंपिंग टू दीज कंडीशंस कि डी ए एफ के और माइनस बी बाई टू है। सो विल सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस लेटर एंड वी विल गेट टू नो कि कब क्या क्या हो सकता है। सो थैंक यू।